सुबह सुबह हमारे घर में चल रहा है भजन, ये डेली चल, मैं और मम्मी फिर काम पर लग गए, मजे ले रहे हो जिंदगी के जान। तुम सबसे पहले मैं गेम को डिलीट मारूं कि ये कभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक मिसेस काजल चौधरी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ आपकी दुआओं से। और आज है, क्या है आज? गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी ढूंढ रही है वो पाइप में लगाने वाला। मम्मी देगी अपनी खेती में पानी, पानी पिलाएगी मम्मी अपनी खेती को। मिली नहीं मिली? तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? उस दिन मेरे रूम की सफाई हो गई थी, आज ये मम्मी का रूम में मैं मम्मी और ये भाभी हम मिलके साफ कर रहे थे। मम्मी का रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ज़्यादा कपड़े भर रखे थे मम्मी ने एक्स्ट्रा वाले, जो मम्मियों की सबके घर में मम्मियों की जो आदतें होती हैं वो वाली। पापा यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, तो हमने सोचा दिवाली भी आ रही तो दिवाली की सफाइयाँ भी ऐसे, जब बड़ा घर होता है तो धीरे धीरे सफाइयाँ की जाती हैं, तो मैं ये सफाई करने लगी हुई थी मम्मी की रूम की। देखो आप लोग, और सुबह सुबह हमारे घर में चल रहे भजन, ये डेली चलते हैं, और खाने में बन रहे राजमा की सब्जी और ये फलिया की सब्जी। मम्मी आलू छिल रही है, मैं एक बार किचन का थोड़ा सा काम फिनिश कर लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलवाती हूँ कुछ स्पेशल चीज़ से। ये मम्मी हमारी साड़ी की तैयारी कर रहा है। भाभी हेलो करो, हेलो भाभी, हेलो करो। ये हमारी भाभी हैं, वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग। और यहाँ पर मैं और मम्मी फिर काम पर लग गए। वैसे हम जो से मम्मी की आदत है वही मेरी आदत है, मैं और मम्मी एक से दो बार बोलते किसी काम के लिए, कोई नहीं सुनता तो मैं और मम्मी खुद लग जाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी देर में मैं और मम्मी पंखा साफ करने लग गए, हॉल का पंखा साफ किया, डाइनिंग एरिया का पंखा साफ किया। देर में पापा आ गए, पापा डांटने लगे कि गिर जाएगी। तो गाइज आप भी बताना, आप भी अपने घर के पंखे साफ करते हो या नहीं दिवाली टाइम पर? मैं तो अपना पूरा घर साफ करती हूँ, और मेरी पहली दिवाली है तो मेरी एकदम स्पेशल वाली दिवाली, तो मैं चाहती हूँ मेरी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छे से बने। किन किन लड़कियों की आफ्टर मैरिज फर्स्ट दिवाली, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और इतना डर लग रहा था मुझे ये ऐसे पंखे साफ़ करने में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पैर स्लिप ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊँ। बट मम्मी बोलती कि कोई बात नहीं काजल, मैंने तेरे पैर पकड़ रखे, तुझे मैं गिरने तो नहीं दूंगी। उसके बाद मैं और मम्मी दूसरी की तरफ चलती है थे पंखा साफ करने के लिए। पंखे व्हाइट कलर के होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी दिखती है, ये पंखे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते गंदगी। और मैं भी ये चाहती हूँ कि सब लोग अपने घर में साफ सफाई किया करो, काम करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, अपना घर है, अपन जितना साफ सफाई से रहेंगे उतना ही अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, बॉडी भी एक्टिव रहती है। मैं नागालैंड में रहती थी तो मेरी बॉडी थोड़ी आलस में आ गई थी, यहाँ पर आके मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं और मम्मी सेम एक जैसा नेचर है मेरा और मम्मी का, बोलते हैं ना राम मिलाए जोड़ी। अब यहाँ पर पापा आके हमको डांटने लग गए बहुत तेज कि ये गिर जाएगी, इसको क्यों चढ़ा दिया। लेकिन गाइस सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। पापा बोले जब साफ कर ही रही हो तो फिर कॉलिन से साफ कर दो, मैंने कि ठीक है, मैंने की बात तो ये भी सही है। फिर पापा ने मुझे कॉलिन दी, मैं कॉलिन से साफ करने लग गई। और उसके बाद में फिर हम चले गए किचन में, किचन का हमारा थोड़ा सा काम था। इसके अलावा हमारे घर मतलब जब बड़ा घर होता है, मेंबर कम होते हैं ना, तो धीरे 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 सफाई करनी पड़ती है। अभी हमारे दो रूम साफ हुए हैं, उसके बाद में भी हमको बहुत सारा साफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि एपिसोड करके लाना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एपिसोड करके दिवाली की सफाई, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है और रहने वाले हम सिर्फ चार लोग हैं। तो मैं ये पंखे साफ वाफ करके आराम से फ्री होके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अजय बाबू अको मैं बुलाई, ये कोको कितना बदल गया है, मम्मी कितना बदल गया है ये। जहाँ मम्मी दिखती हो वहीं डेरा डाल लेगा, कैसे चिपक के बैठा है। मैं बुलाई के कोको आ जा, मारे डर को नहीं आया कोको। ये इसको निला दिया, अब ये देखो अपनी टावल नहीं छोड़ रहा, ये बेटा टावल छोड़ पहुंचूंगी तेरे को बाबू। कोको टावल तो छोड़, लाडो अभी टावल नहीं छोड़ेगा, देखो पहुंचूंगे कैसे ये बता। ए बेटी टावल तो छोड़ो, कोको ये सूख ले सी तू लाज, मेरी बेटी मेरी शॉप शॉप का शुमर बेटी ने। गुड मॉर्निंग,
ये आदमी कितने बजे जगा है? 10:30 बजे। इस आदमी, इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। बढ़िया मजे ले रहे हो जिंदगी के जान तुम। हेलो करो एक बार। गाइस, किस किस के पति संडे के दिन इतना लेट जगते हैं, प्लीज कमेंट करके बताना। कोको ये सबसे पहले जगता है, ये और एक मम्मी। लिफ्ट चला गया, बैठ जा। ओहो, तुम ही दो घर में बस, है ना सपूतो? कोको सबसे बदमाश है, कोको तो सबसे ज्यादा बदमाश है। फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं नहा ली। मम्मी पापा मार्केट गए हुए हैं, मम्मी मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, किस कपड़े में कुछ डैमेज निकला तो मम्मी वो करने गई है मार्केट। ये जिंदा बाहर सूट की तरह लेटे हुए हैं यार, लेटे हुए हैं। और बताइए, खाने में मैंने बना दिया है सब्जी, मैं आपको दिखा के लाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये सब्जी, ये वाली सब्जी मम्मी ने बनाई है भिंडी की, ये वाले छोले की मैंने बनाई है, और आटा मैंने लगा दिया है। आटा मैं आपको दिखा देती हूँ, आटा आज मैंने दो तरीके के लगाए हैं। पापा को पता नहीं है, मेरे को पापा मम्मी से लाड़ करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये वाला आटा और एक ये वाला आटा, ये पालक का आटा लगाया है मैंने। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके, किसी को रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। देखो मैं आप लोगों को, धूप बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, बहुत तेज। और जैसे मम्मी पापा कहीं चले जाते हैं मार्केट शॉप, ये कोको वहाँ पर बैठ जाता। इसकी मैं दोस्त ज़्यादा अच्छी थी, कम से कम दोस्त होती थी मेरे को टाइम तो देते थे तुम कम से कम पहले, है? चुनाव खत्म, प्रचार खत्म, वो वाला सीन किया तुमने मेरे साथ में। क्या चुनाव खत्म, तभी तो मैं कह रही हूँ चुनाव खत्म प्रचार खत्म। बीबी घर पे का, बीबी घर पर के आ गई, चुनाव भी खत्म प्रचार भी खत्म। इस आदमी ने ना, मैं सच बता रही हूँ, मई जून, इस आदमी ने सिर्फ मुझे एक महीने टाइम दिया था जब तक हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई थी। 21 जुलाई को हमारी एंगेजमेंट थी, उसके बाद में तो ये ऐसे पलटा है, ऐसे चुटकियों वाला नहीं पलट जाते ऐसे। फिर तो कौन काजल, अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसे। अब मैं ना इस आदमी को मैं छोड़ के जाऊंगी, मैं इस आदमी से अलग होंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता है। आप लोग कमेंट करके बताना मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ये मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं देता है, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, ये आदमी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। कहाँ बिजी हो, गेम खेलने में? गेम खेलने में बिजी हो, आ जाने दो मम्मी पापा गुरु को। ऐसे तो ये, और ऐसे ही इनके दोस्त, देख बेशरम, देखो इनको शर्म नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है ना। देख बेटा, कदर किया करो मेरी कदर, मैं सब देख रही हूँ रोज रोज, तुम सब बताऊंगी मैं तुम्हें, मानते नहीं हो ना तुम। क्या करूँ मैं, सबके हस्बैंड ऐसे ही करते हैं कि प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, सबके आदमी से फोन में गुस्से रहते हैं कि गेम को लेकर क्या है ये गेम, मेरा बस लेना है ना लड़कों के फोन में, सबसे पहले मैं गेम को डिलीट मारूं कि ये कभी आए भी ना गेम, जब देखो गेम गेम ना हो कि क्या सौतल हो गई मेरी जिंदगी की। मम्मी पापा के जाने के बाद कोको इस गेट पे बैठ जाता है, और जब से हम नागालैंड से आए हैं कोको की तबीयत काफी खराब है, और कोको को देख के मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ही ज्यादा। अरे कि ये मेरे पति देव, देखो इनका मुंह। मम्मी आ गई बाजार से, मम्मी पापा चीजी लेके आए, चीजी पापा क्या लेके आए उसमें, किसके मम्मी कपड़े? अच्छा मम्मी हमारे वास्ते क्या लेके आए, ले दे दिया ये तो पैसे मोबाइल में, ये मम्मी मेरे लिए घाघरा चोली लेकर आई है, मेहंदिया कलर अच्छा लगता है मेरे पर। मम्मी तो सारे कपड़े चुन रही है।
और शाम को ये सारे लोग ऐसे बैठ जाते हैं, हम लोग शाम को इस तरीके से बैठ के बातें करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। ये बन रही है दाल, दूध गर्म कर दिए, मसाले काट दिए, मम्मी बुआ जी के साथ बैठ के काम करवा रही, टमाटर काट रही है, और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा गेड़ी मारने, टाइम हो रहा है 7। चलो चलो कुक पहुंचो। दिस इज माई स्वीट होम। ये हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने, क्या हम कहा जा रहे हैं घूमी घूमी करने विद फैमिली फैमिली। और ये मैं आ गई घर, अदरक नहीं था तो मैं अदरक भी लेके आ चुकी हूँ, ये गाड़ी पार्क कर दे। अदरक भी आ गया। फाइनली हम सब ने खाना खा चुका है, सूर्य भी आ रहा है, उसके लिए खाना गर्म करके देना है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे कपड़े कैसे लगे न्यू मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मेरी फैमिली के साथ मेरा बॉन्ड कैसा लगता है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई होप आप लोगों को मेरी फैमिली, मेरा कोको, हम सब अच्छे लगते होंगे, आपको मेरे ब्लॉग देखना अच्छा लगता होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।